दर्दे शहर में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। इस बार हमने चर्चा का विषय जिस संस्था से लिया है वो संस्था जयनगर शहर में अपना एक विशेष स्थान रखती है। और सच पूछिए तो किसी भी शहर के विकास की दिशा और दशा दोनों यहीं से तय होती है। मैं समझता हूँ यहाँ की जनता बहुत समझदार है, अब तक समझ गई होगी हम किस संस्था की बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने, नगर पंचायत जयनगर के बारे में हम आज चर्चा करेंगे जिसका हाल बेहाल है। पहले 19 नवंबर 1955 को एनएसी के रूप में हम जयनगर की इस संस्था को जानते थे, नोटिफाइड एरिया कमेटी यानी अधिसूचित क्षेत्र समिति। इसमें सरकार के द्वारा सदस्य मनोनीत होते थे और एक बोर्ड होता था जो जयनगर शहर के विकास के लिए काम करता था, मगर उस समय उतने अधिकार नहीं थे, उतने फंड नहीं आते थे कि जयनगर का या किसी भी नगर निकाय का अच्छा विकास हो सके। वहीं 30 अगस्त 2001 को नगर पंचायत की स्थापना की गई और उसके बाद वार्ड पार्षदों का चुनाव आम जनता करने लगी। और इस चुनाव के तहत जो भी वार्ड पार्षद चुनकर आते थे उनमें से एक मुख्य पार्षद चुने जाते हैं और वो नहर शहर की विकास के लिए अपने हिसाब से काम करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, चुनाव का जुनून अब तक चरम पर पहुंचा हुआ है और यहाँ के वार्ड कमिश्नर जो अब तक रह चुके हैं, उसके अलावा इस चुनाव में जो अपने को वार्ड कमिश्नर के रूप में लाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, उन सबों के लिए यह कार्यक्रम विशेष महत्व रखता है। और इसी सोच के साथ हम आज के इस कार्यक्रम को दर्दे शहर को नगर पंचायत के साथ आपके साथ लेकर बढ़ना चाहते हैं, जिसके विभिन्न मुद्दों पर हम अभी चर्चा करेंगे। पहला मुद्दा है दिशाहीन कार्य योजना। अब तक जो भी नगर पंचायत के बोर्ड बने, 3 बार चुनाव हो चुके हैं, चौथी बार होने जा रहा है, लेकिन एक बार भी ऐसा बोर्ड नहीं आया जो अच्छी कार्य योजना के साथ शहर को विकास की ओर ले जा सके। हम कह सकते हैं दिशाहीन कार्य योजना थी, क्योंकि यह मांग शुरू से होती आई है कि टाउनशिप का लेवलिंग जरूर होना चाहिए ताकि सड़क और नाले का निर्माण उसी हिसाब से किया जा सके। शहर की ऊंचाई जिधर है उधर से निचले स्तर की तरफ नालों का झुकाव दिया जाए और जल निकासी की समस्या से निजात पाया जा सके। मैं आपको बता दूं, ऐसी बहुत सी एजेंसियां हैं जो यही काम करती हैं। नगर पंचायत को चाहिए कि टाउनशिप की लेवलिंग पहले करवाएं और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग नाला का निर्माण करें, सड़क का निर्माण करें। निश्चित रूप से शहर एक नए रूप में नजर आएगा। मैं ये बता दूं, अगर संभव हो तो लेवलिंग के हिसाब से काम करने के लिए सड़क को यदि कबाड़ना भी पड़े, नालों को फिर से बनाना पड़े, तो बनाया जाए, एक व्यवस्थित शहर की स्थापना की जाए। यही हमारी सोच है। इस दिशाहीन कार्य योजना को एक नई दिशा देनी चाहिए। मैं आने वाले बोर्ड से ये गुजारिश करूंगा कि टाउनशिप की लेवलिंग निश्चित रूप से की जाए, उसके बाद विकास के कार्य को आगे बढ़ाया जाए। दूसरा मुद्दा है, जयनगर नगर पंचायत में अभी तक चकाचौंध पर विशेष ध्यान दिया गया, जबकि बेसिक चीज है सफाई, उस पर कम ध्यान दिया गया। यही कारण है कि आज आप जयनगर में जगह जगह देखेंगे पोलों पर एलईडी लाइट के साथ चकाचौंध रोशनी जरूर है, लेकिन उस रोशनी के नीचे जो बजबजाती गंदगी है उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है जितना उस चकाचौंध पर दिया गया है। मैं समझता हूँ उसकी रोशनी कहाँ तक गई है, आप समझ सकते हैं, समझदार हैं, और सफाई पर कम ध्यान है। इसको मैं इस तरह से बता सकता हूँ कि अभी नगर पंचायत में अस्थाई सफाई कर्मी के रूप में सिर्फ 10 सफाई कर्मी हैं, जबकि 17 सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पर सफाई का काम कर रहे हैं। और मैं बता दूं आपको, एक एनजीओ है रहिका का जो कि 1 से 5 वार्ड तक की सफाई करता है। आपको नजर आएंगे हमारे क्लिपिंग में कि सफाई की नगर में क्या स्थिति है। तो निश्चित रूप से इस बोर्ड को सफाई की ओर ज़्यादा ध्यान देना होगा, उसके बाद ही चकाचौंध का महत्व बढ़ता है, उसके बाद ही रोशनी का महत्व बढ़ता है, लेकिन सबसे पहले सफाई को देखना होगा। नालों की सफाई सिर्फ उड़ाही से काम नहीं चलेगा, वो तो एक अस्थाई निदान है। अस्थाई निदान के लिए वही लेवलिंग और सफाई दोनों चीज़ पर ध्यान देना होगा।
अगला मुद्दा ये भी बहुत ही अहम है। जयनगर शहर में आवारा पशुओं का खुलेआम शहर में विचरण करना अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। मैं आपको बता दूं कि नगर पंचायत ने इस ओर एक कदम बढ़ाया था, घोषणा की थी कि जो भी आवारा पशु शहर में घूमते हुए पाए जाएंगे उनको गिरफ्त कर लिया जाएगा, अपने अधीन कर लिया जाएगा और ढाठ में उनको बांध कर रखा जाएगा और जो भी उसके मालिक होंगे पशुओं के उनको जुर्माना किया जाएगा और उसके बाद उनसे क्षतिपूर्ति ली जाएगी। लेकिन वो सारी बातें टाँ टाँ फिस होकर रह गई, कोई खास अमल उस पर नहीं हो सका, सिर्फ माइकिंग हो सकी जयनगर में, लेकिन आवारा पशुओं का उसी तरह से शहर में खुलेआम विचरण हो रहा है। आप चले जाएँ सब्जी मंडी में, आप चले जाएँ किराना गली में, या आप चले जाएँ अनाज मंडी में, आप देखेंगे ये आवारा पशु जिसमें सांड, गाय और उनके बछड़े इस तरह से बोरों में मुंह देते रहते हैं और दुकानदार इस तरह से उसको लाठियों से हड़काते हैं कि एक नई घटना वहाँ होती है, खास करके बुज़ुर्गों के साथ, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ। वो मवेशी कुछ नहीं समझते हैं, उन पर बेतहाशा दौड़ते हैं और यही कारण है कि शहर में एक नई नई घटना बराबर होती रही है। कोई अपनी कमर तुड़वा रहा है, कोई रौंदा जा रहा है पशुओं के साथ, लेकिन इस ओर ध्यान अभी तक नगर पंचायत को जितना देना चाहिए नहीं दे पाया है। उसे निश्चित रूप से इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि शहर में आवागमन में और लोगों की हिफाजत हो सके, लोग आराम के साथ अपना बाजार कर सकें। जयनगर शहर की एक और अहम समस्या है, खासकर जयनगर बाजार में आप कहीं भी निकल जाएं, जाम आपको मिलेगा। जाम का कारण है अगल बगल सड़क पर ही लोग अपने वाहन लगा देते हैं जिससे आवागमन में काफ़ी परेशानी होती है। मेरा एक सुझाव था इस मामले में, नगर पंचायत इस ओर ध्यान दे तो शहर के इंट्रेंस पर जैसे बाजार समिति के तरफ या वाटरवे चौक से पहले और पेट्रोल पंप के बाद यदि कहीं पार्किंग की व्यवस्था हो, स्टैंड लगा दिया जाए और वहां मोटरसाइकिल और साइकिलों को रोका जाए और रोककर वहीं उनको स्टैंड किया जाए और बाकी खरीदारी करने के लिए लोगों को बाज़ार में छोड़ा जाए, तो निश्चित रूप से ये जाम की समस्या से निजात पाया जा सकता है और हम समझते हैं इससे बहुत राहत महसूस होगी दुकानदारों को भी और ख़रीदारों को भी। तो इस ओर नगर पंचायत ध्यान दे सकता है, देना चाहिए, शहर के बाहर पार्किंग की व्यवस्था करनी चाहिए। जयनगर नगर पंचायत के अधीन पहले अलका टाकीज के नाम से जाना जाता था, अब हम उसे शंकर टाकीज के नाम से जानते थे, लेकिन अभी वो फिलहाल बंद है। लेकिन उसके पीछे बिलट पोखर एक है जहाँ की आज भी लोग मटकोर वगैरह के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ लोग दूर दूर से पहुँचते हैं। उसका सौंदर्यीकरण नगर पंचायत कर सकता है, उसके सौंदर्यीकरण के लिए पोखर के चारों ओर लाइट की व्यवस्था की जाए, सड़क का निर्माण, पीसीसी सड़क का निर्माण किया जाए ताकि लोग वहां जाकर कुछ समय बिता सकें, वहां का आनंद ले सकें और लाइट होने की वजह से रात के समय में लोग उसका बखूबी आनंद ले सकते हैं, वहां टहल सकते हैं। तो इस ओर नगर पंचायत को निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए, बिलट पोखर का सौंदर्यीकरण करना चाहिए। ये शहर के लिए एक बहुत अच्छी योजना होगी जिसकी ज़रूरत है जयनगर को, इस ओर नगर पंचायत को निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। अगला बोर्ड सशक्त हो, एक अच्छी इच्छा शक्ति के साथ जयनगर के लिए कुछ काम करे, कुछ विकास करे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम मिलते हैं अगले एपिसोड में शहर की एक नई समस्या के साथ। तब तक आप इंतज़ार करें अगले सप्ताह का दर्द शहर।